एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी थोड़ी देर पहले जागी थी। आशु और बच्चे सो रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ डे ऑफ माय लाइफ शेयर करने जा रही हूँ। और सुबह और मैं अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास पानी से कर रही हूँ। तो इसके साथ मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। ईटिंग शेयरिंग वॉइस द ओवर। आज मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे ही डायरेक्टली आपसे चैट की करूँ, कि कनेक्ट सीधा आप लोगों से बातें करूँ मैं। तो मैं सुबह सुबह एक गिलास पानी पीऊंगी। एक गिलास पानी पीने से शरीर होता है हाइड्रेट रहता है। आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दे देती हूँ एज यूजुअल। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर। आज बच्चे स्नैक में ब्लूबेरी लेकर जा रहे हैं और इनके बैग तैयार हो चुके हैं। ये आर्या का बैग तैयार हो चुका है ऑलरेडी। ओके इज रेडी। आर्या का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। आर्या जय श्री राम, हर हर महादेव। देखो आर्या स्कूल चली गई अपने। सुबह की चाय रखी है तो ये पानी थोड़ा सा खोल जाए तो इसमें दूध डालूंगी मैं। लाइव शेयर कर रही थी तो बीच में दिमाग से निकली गया वीडियो रिकॉर्ड करना और पार्ट स्किप हो गए मेरे। तो उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर मैंने घर को थोड़ा सा अरेंज किया। जहां चीजें थी बैक टू देयर प्लेसेस मैंने चीजें की। तो बीच में ना मेरे भाई का फोन आ गया तो मैं कभी कभी उनसे बात करती हूँ कि मैं इतना नहीं बिजी रहती हूँ जैसे कि आपको पता है वीडियो बनाने में बच्चों में, तो ज्यादा मेरी बातें नहीं होती हैं। आज मैंने एक घंटा या डेढ़ घंटा उनसे बातें की तो मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी उनसे बातें करने में। तो उनको पता है कि मैं बिजी रहती हूँ, कि उन्होंने कहा भी कि प्रिया तू अपना काम कर ले तो अच्छा नहीं लगता है कि हर टाइम कहना मैं बिजी हूँ। चलो ठीक है यहीं तक बातें होती हैं, हाँ तुम ठीक हो हम ठीक है। तो मैंने आज काफी बातें की अपने भैया भाभी से। तो इसके बीच में मुझे टाइम का पता नहीं चला तो अभी मेरा लंच नहीं बना है तो मैं लंच तैयार करूंगी। तो सोच रही हूँ मैं लंच में क्या बनाऊं। चलो चलते हैं लंच बनाने। तो मैं देखती हूँ मैं लंच में क्या बनाती हूँ क्या नहीं। मैंने बच्चों के खाने के लिए प्रिपेयर कर रख रखा है। बच्चे आकर स्कूल से खाएंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में बनाऊंगी मैं बंद गोभी। अब मैं प्याज काट रही हूँ सब्जी के लिए। एक
इसमें डालूंगी। प्याज भूनूंगी हमें, अब साथ ही साथ मैं जीरा भी डाल दूंगी इतना सा। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं धोऊंगी सब्जी में डालने के लिए। हाँ देखो प्याज भुन गए ने, हुण मैं इस गार्लिक पावांगी क्योंकि आशु नू बहुत पसंद है गार्लिक। ये देखो इना गार्लिक पाना है। ये आंबू पा दांगी फिर मैं। सारे आलू पा दांगी मैं, बंद गोभी सारी सारी पा दूंगी मैं। फिर इसमें जो ये मसाले रखे हैं ये वाले सारे डाल दूंगी मैं, और एक मैगी का पाउच डाल दूंगी, मैगी का मसाला, क्योंकि ये अलग ही टेस्ट बना देता है, आशु को बहुत पसंद है। ये देखो पाता मैंने, पर इसको अब मिक्स करूंगी अच्छे से। मटर रह गए, मटर ये मटर भी डाल दूंगी मैं। ये देखो ये देखो, अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फिर थोड़ी सी देर बनने के लिए रख दूंगी मैं। अभी इसको ढक दूंगी थोड़ी सी देर में इससे। मेरी सब्जी अजे अद्धी कच्ची बनी है, अद्धी कच्ची बनी है, इस मैं टमाटर सुट रही हैं बनती हुई विच, इसका टेस्ट कुछ होर ही आ जाएगा। देखो इसमें मैं थोड़ा सा हरिया धनिया गेरूंगी। गोभी के साथ मैंने पूरियां बनाई हैं, और दही मैं बाजार से लेकर आई थी, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था जमाने को दही, तो मैं बाजार से ले आई थी। ये मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ, ये देखिए। इसमें साथ में मैं प्याज, बच्चों प्याज खाएंगे बच्चे इसमें साथ में। मेल चेक करने जा रही हूँ, मेल बॉक्स ये हमारा है। देखो ये देखो देखो मेल आए हैं कि नहीं, यहाँ हमारे मेल आते हैं। ये आर्यन की टी शर्ट लेके आई, इसमें मार्केट च गई सी, कोई इरादा नहीं सी मेरा कोई कुछ भी खरीदन दा, मगर मेरे कपड़े पसंद आए तो मैंने ले ले। ये मेरी टी शर्ट है, आ देखो ये लेके आई अपने वास्ते, गर्मियां भी आ रही हैं। ये देखो ये वाली ये लेके आई मैं फ्रॉक अपने वास्ते। ये देखो इधर ये फ्रॉक लेके आई मैं अपनी, ये दो फ्रॉका, ए बच्चे ए मेरी है। ये आर्यन दी एक टी शर्ट होर लेके आई सी, ते आर्यन ने कहा मम्मी मैं पा ला, ते फिर मैंने कहा कोई गल नहीं तू पा ले, ए टी शर्ट लेके आई आर्यन दी। यह कैमरा है, कैमरा मंगवाया सी ऑनलाइन, ते देखो ए घर च हुण कैमरा लगेगा मेरे। ए देखो अमेज़न तो मंगवाया सी आशु, अमेज़न तो मंगवाया सी ए कैमरा। देखो नमकी चाय के साथ मैं भुजिया खाऊंगी, ये वाली थोड़ी सी लूंगी मैं, ये मैं वॉलमार्ट से लेकर आई थी। आज डिनर में सोयाबीन की बड़ियां बनाएंगे, तो ये सोयाबीन की हैं, तो
तो सोयाबीन को पहले में हमने बेसन में इसको मिक्स किया, फिर एयर फ्रायर में रखा, तो ये इसको फिर काटा, तो इसको ये ग्रेवी पहले से ही मैंने बना रखी थी, तो ये ग्रेवी में डाल दी। ये सोयाबीन की बढ़िया बन गई, देखो ये सोयाबीन की बढ़िया हमें कंटेनर बाजार से लेकर आए थे, घर में बनाया है। तो फिर मैंने इसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया। इसके बाद ना हम घूमने जाएंगे, तो इसके इसके साथ मैंने आशु के और बच्चों के लिए गार्लिक की ये बना दिए मैंने नान, गार्लिक नान है ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं गार्लिक नान। आगे हम वाक से और डिनर कर गए थे, तो हमने सोचा वाक पर चलते हैं, खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यही था मेरा डे इन माय लाइफ जो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की। तो मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टचिंग, बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।